वेलकम टू कैरिंग क्योर रील्स। आज हम बात करेंगे सिक्स मंथ का एनोमली स्कैन। आज आपकी प्रेगनेंसी 19 टू 20 वीक्स के आसपास की हो गई है और आपको बुलाया जा रहा है आपकी बड़ी सोनोग्राफी या जो बोलते हैं या एनोमली स्कैन बोलते हैं। इसमें डॉक्टर्स जो है वो आपके बच्चे के स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स चेक किया जाएगा, जैसे ब्रेन में कोई तकलीफ है, हार्ट में कोई तकलीफ है, या फिर हाथ पैर में कोई तकलीफ है, या फिर बच्चे के स्पाइन में कोई तकलीफ है, ब्लैडर में कोई तकलीफ है। जो डिटेक्टेबल एनोमलीज है उसको डिटेक्ट करने की ट्राई की जाएगी, जिससे उसका टाइमली इंटरवेंशन हो सके, ट्रीटमेंट हो सके। और अगर बच्चा डिफेक्टिव है तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने का नहीं है वो ऑप्शन डिस्कस किया जा सके। इस चीज़ की 3 लिमिटेशंस है वो अपने मान के चलनी है। एक कि कई बार पेशेंट फैक्टर्स, जैसे पेशेंट अगर जाड़ा है या बच्चे का पोजीशन ठीक नहीं है या लाइकर थोड़ा कम है, तो कुछ कुछ डिफेक्ट्स मिस हो जाती है। स्मॉल डिफेक्ट्स हमेशा सोनोग्राफी पिकअप नहीं कर पाती है। सेकेंडली कि कुछ कुछ डिफेक्ट्स लेटर इन प्रेगनेंसी आते हैं, जैसे 7वें महीने में, 8वें महीने पे, 9वें महीने पे। तो अगर आपने सोनोग्राफी 6 मंथ पे की है तो वो ये कहता है कि 6 मंथ तक बच्चा ठीक ग्रो किया है, पर आगे चल के 9th मंथ में प्रॉब्लम नहीं होगा वो सोनोग्राफी प्रिडिक्ट नहीं कर सकती है, तो मन में मान के चलना है। अगर 9th मंथ में भगवान ना करे बच्चे को डिफेक्ट आता है, तो फिर आप ये बोले कि सर 6 मंथ में तो रिपोर्ट नॉर्मल था, तो 6 मंथ तक का ग्रोथ नॉर्मल था, उसके बाद कुछ तकलीफ हुई है जो 6 मंथ में अपने पकड़ ही नहीं सकते थे, क्योंकि फ्यूचर प्रिडिक्शन सोनोग्राफी में होता नहीं है। तीसरा कि फंक्शनल प्रॉब्लम्स, जैसे बच्चे की आंखें हैं पर दिखता नहीं है, कान है पर सुनता नहीं है, दिमाग है पर काम कम करता है, वो कोई भी सोनोग्राफी रिपोर्ट्स पिकअप नहीं कर सकती, जिसको अपॉन चांस छोड़ना है, नेचर पे छोड़ना है। और डिलीवरी के बाद ही, जैसे बच्चे का अगर माइलस्टोन्स अचीव नहीं हो रहे तो फिर ज़रूरत पड़े उसके रिपोर्ट्स कराने हैं। ये 3 चीज़ें समझ के आप हैप्पीली अपने अल्ट्रासाउंड स्कैन के लिए जा सकते हैं। सब खाने पीने की छूट रहती है, भूखे पेट जाने की ज़रूरत नहीं रहती है। थैंक यू सो मच।